दिलों याद कीता मेरी जान, आ गया भर जाता सांपो तूफान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मुझे श्रीनगर जाना है, तो आज मैं श्रीनगर के लिए निकल रहा हूँ। और आज भी मैं गाड़ी से ही व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सामान वगैरह पैक करके सब कुछ रख लिया मैंने, और अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। और अब व्लॉग में बने रहना, बहुत मज़ा आएगा, और जैसा भी होगा तो आपको पूरा बताऊँगा। और अभी यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। और आज सुबह आपको बताऊं यार, इतनी बारिश थी ना कि मतलब बारिश बंद होने का नाम ही ले रही। देखा ना, सर्दी थोड़ी थोड़ी, तो उसके चक्कर में मैंने ना गर्म कपड़े तो साथ नहीं लगाए, तो गर्म नील जो होती है वो मैंने लगा ली थी। वहाँ से ही मुझे पता था रास्ते में सर्दी होगी, क्योंकि जान मैंने सुना है कि श्रीनगर का रास्ता ना जो वो बंद है। और मैंने आपको पहले व्लॉग में भी बताया था कि श्रीनगर का रास्ता जो है वो बंद था जब मैं आया था, और सुबह निकला था और शाम को पहुंचा था। और श्रीनगर का रास्ता है, आपको एक बात बताऊँ कि श्रीनगर का जो रास्ता है वो बंद नहीं होता है। अगर वो हाईवे जाम हो जाए तो वो हाईवे मतलब फिर तो भाई पूछो मत कि कितना बड़ा जाम लगता है, कि बंदे की सुबह से शाम हो जाती है। और आज मैं निकल रहा हूँ, और क्या पता कि मेरी भी सुबह से शाम हो जाए। और अब व्लॉग में बने रहना, आगे जैसा भी होगा तो आपको पूरा बताऊंगा। गाइस, मैं आपको बताऊं कि अभी श्रीनगर में भी सर्दी होगी, तो उसके चक्कर में मैंने अभी गर्म शर्ट वगैरह निकाली थी और वो लगा के आया हूं, क्योंकि अगर यहां पे सर्दी है, मतलब सुबह शाम यहां पर भी सर्दी होती है, तो इसका मतलब श्रीनगर में भी सर्दी होगी। तो जैकेट वगैरह तो मेरे साथ उठाई नहीं है, बट अगर सर्दी होगी तो मौके के ऊपर वहीं देखेंगे। तो अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो वहीं पर ले लूँगा नया, बट सर्दी इतनी नहीं होगी दिन को। और यहाँ से तो मैं गर्म शर्ट जो है वो निकाल के लगा के जा रहा हूँ। और आप तो यार जुड़े हो मेरे साथ, तो सर्दी लगेगी या नहीं लगेगी, आगे जैसा भी होगा तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो फाइनली गाइज, आपका भाई हाईवे पर पहुँच गया है, तो करते हैं अल्लाह का नाम लेके शुरू सफ़र, और आगे जैसा भी रहता है तो आपको पूरा बताऊंगा यार। और आज सुबह सुबह ना मौसम ख़राब था, थोड़ा बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा बारिश हुई आज यार। और अब आगे का पता नहीं है कि रास्ता बंद है या क्या है, मौसम साफ़ है आगे या कैसा है। और जैसा रहेगा आगे तो मैं आपको बताऊंगा, व्लॉग में बने रहना। बाकी यहाँ सुबह सुबह बारिश थी, लेकिन अभी तो बारिश नहीं है। और आगे पेट्रोल पम्प आता है, तो सबसे पहले इसमें पेट्रोल डलवाएँगे और उसके बाद निकलते हैं। अगर पहचान रहे होंगे तो बताना कमेंट करके, जो भी देखेगा इस पुल को पहचानता होगा कमेंट करके पक्का बताना कि ये पुल कहां पर है। तो गाइस, पेट्रोल पंप आने वाला है, और टिकरी से श्रीनगर 209 किलोमीटर बता रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। रास्ता साफ होना चाहिए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर जाम वगैरह होगा तो फिर आपको बताऊँगा यार, फिर तो हालत ख़राब है, फिर तो आधी रात को पहुँचेंगे वो भी मुश्किल है। तो फाइनली गाइस, पेट्रोल पंप भी सामने आ गया है, तो पेट्रोल डलवाते हैं, टंकी फुली कर लेंगे, क्योंकि बार बार कौन रोकेगा, तो उसके बाद यहां से निकलते हैं। फाइनली गाइस, पेट्रोल 2250 रुपये में जो है वो टंकी फुल होगी, और अभी एक दो दिन तो कोई टेंशन नहीं रहेगी पेट्रोल डलवाने की। और आपको पता है यार, मेरी फेवरेट और फेवरेट गाड़ी है ये, क्योंकि यार जितना मर्ज़ी इसको न्यूट्रल मारो उतना न्यूट्रल बजता है इसको। और देखते हैं कितना दिन चलता है ये। और गाइस, ट्रकों की लाइन जो है वो अब स्टार्ट होगी, अब आगे देखते हैं जाम का क्या हाल है, क्योंकि बहुत दिनों से जो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर का, वो पूरा जाम पड़ा है, मैं न्यूज़ में भी देख रहा था। और ट्रकों की लाइनें स्टार्ट हो गई हैं, अब देखते हैं आगे कहां तक रहती हैं ये और कितना जाम रहता है। और अभी इधर रुकेंगे यार, क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकल गया और ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इधर रुकेंगे। इधर आगे एक ढाबा है, वहां पे बहुत अच्छा परांठा वगैरह देता बंदा, और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। फाइनली गाइज, ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली और अभी यहाँ से निकल चुका हूँ। और
चलते हैं आगे, देखते हैं। मेरे को लग रहा है जाम होगा आगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा रहता है। फाइनली गाइस उधमपुर पहुंच गया हूं मैं, तो उधमपुर में भी गाड़ियां रोकी हुई हैं, देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो यार गाड़ियां रोक रहे थे लेकिन मुझे नहीं रोका, तो आगे देखते हैं कैसा जाम रहता है क्या रहता है। केला जा रहा था श्रीनगर, तो इसने बटोत जाना था, अब उधमपुर में ये भी आ गया, तो बटोत तक नहीं मतलब नाशरी टंडल तक ये मेरे साथ जाएगा, और उसके बाद फिर मैंने अकेले ही जाना है कश्मीर। तो आगे जैसे भी रहता है तो मैं आपको बताऊंगा। इसने आना नहीं था यार, मेरे को पैसे देने के लिए आया, मेरे को नहीं बोल रहा है। कितना अच्छा दोस्त है मेरा ये देखो बोल रहा है भाई तू जा, ये देखो बोल रहा है भाई पैसे ले और पूरा कश्मीर पूरे अच्छे तरीके से घूम के तो फिर आइए। देखो ऐसे दोस्त हो ना मेरे पास, मुझे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो भाई इसने दे दिए पैसे, अब पूरा कश्मीर घूम के तो आराम से आऊँगा। थैंक यू ब्रो, और पड़े हैं तो वो भी दे दो भाई। तो इतने सारे पैसे दे दिए, अब पूरा कश्मीर आराम से घूम के आऊँगा आराम से घूम के आऊँगा यार। तो इसको बोल रहा हूँ मैं यार चल श्रीनगर चलते हैं, घूम के आते हैं कश्मीर। ये मेरी मान ही नहीं रहा, बोलता नहीं ब्रो वहाँ नहीं जाना है, चल कश्मीर कहाँ जाएगा कन्याकुमारी, बोल रहा कश्मीर जाऊंगा कन्याकुमारी जाऊंगा। चल यार तेरी कसम सही में घूम के आ जाएंगे, शादी शुदी खा पी के नेक्स्ट टाइम जाएंगे नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है, अभी मैं पहुंच गया हूँ प्रेम दी हट्टी, और यहाँ से पतीसा लेना है। फ्रेंड ने कॉल की हुई थी श्रीनगर से कि पतीसा लेके आना, और वो ले लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। सबसे पुरानी शॉप जो पहले होती थी वो कुद में होती थी, और उसके बाद ये खुली थी, अभी तो इनकी बहुत सारी ब्रांचें खुल गई हैं, बहुत सारी शॉपें खुल गई। ले लिया पतीसा और वो सामने रही अपनी गाड़ी, और अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे जैसा भी रहता तो आपको पागल हो गया। तो गाइस पत्नीटॉप वाले रास्ते से मैं आया था, आपको पता है। और भाई ये बंदा क्या कर रहा है, अब ये गाड़ी के अंदर आग, ये सामने देखो गाड़ी के अंदर आग, वो लकड़ी डाली हुई यार इसके अंदर ना, पक्का होगी लुक, तभी ये कहीं कोई रोड पे पड़ रही होगी तो वहां जा रहा है। और ये गैस वाली गाड़ियां जो सिलेंडर वाली होती हैं, और ये तेल वाले टैंकर जो है ना, ये नाशरी टंडल के अंदर अलाउड नहीं है, इनको आज भी पत्नीटॉप वाले पुराने रास्ते जो पुरानी हाईवे थी उससे भेजते हैं। तो ये देखो क्योंकि श्रीनगर का हाईवे बंद है, और आगे का मुझे पता नहीं है गाइस लेकिन आगे कैसा रहेगा। लेकिन आप ये इधर भी लाइन देख लो, पीछे भी आपको बताई थी मैंने ट्रकों की लाइन लगी हुई थी, और टैंकर ना यहाँ पर रोक देते हैं खुद से नीचे ही, और ये सब जितना भी है डीजल पेट्रोल मतलब जितना भी श्रीनगर जाता है और उसकी लाइन लगी हुई है टैंकरों की। चलो देखते हैं आगे कैसा रहता है। फाइनली गाइस लोकेशन तो आपने पहचान ली होगी मैं कहाँ पर हूँ, और मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर आपको मैंने एक बार ना पहले बताया था, बहुत सारा मतलब बहुत टाइम पहले एक व्लॉग आया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एरोप्लेन जो है रेस्टोरेंट पत्नीटॉप के अंदर खुल रहा है टमाटर मोड़ में, तो तब ये अनकम्प्लीट था मतलब पूरा कम्प्लीट नहीं होता। आज भी ये पूरा कम्प्लीट नहीं है, बट इतना है कि अब इसको मेन जगह पर जो वो रख दिया हुआ है सामने देख लो आप, इस तरह मतलब अट वगैरह बना के पूरा, और इसके पर जो थे वो तब नहीं लगाए हुए थे, तो अभी ये भी लग गए हुए हैं, ये सामने देखो इस साइड पर, और इस साइड से भी ये पूरा कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अभी पार्किंग वगैरह के लिए सामने देख लो अब पूरी जगह जो मतलब पूरी वो इन्होंने बिल्कुल प्लान कर दी है सामने, और सामने भी इसी का शायद को काम चल रहा है, वो सामने बंदे हैं, और ये सामने देख लो ये इसका फ्रंट है यहाँ से। और पहले जब मैं आया था तो ये नीचे जो आर्ट वगैरह बनाए हुए हैं ये दीवारें वगैरह नहीं थी, और सामने अपनी रोड रही और बिल्कुल टमाटर मोड़ में, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये जो आप मैंने आपको बताया पीछे भी कि ये जितने भी सारे टैंकर लगे हुए हैं ना ये सब ना टंडल के अंदर अलाउड नहीं है, तो इस रास्ते से जाते हैं, तो ये बहुत लंबी लाइन है नीचे से लेकर ऊपर तक खुद तक। और ये टमाटर मोड़ में आपको रेस्टोरेंट मिलेगा एरोप्लेन रेस्टोरेंट, अब पता नहीं है ये कितनी देर में ओपनिंग होगा लेकिन ओपन हो जाएगा बहुत जल्दी, और जम्मू कश्मीर में फर्स्ट रेस्टोरेंट होगा ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, पहले तो मैं बता चुका हूँ आपको, तो मैं यहाँ से निकल रहा था, तो चलो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी इसका काम कितना बाकी है और कितना रहा, तो
ये सामने देख लो आप, मतलब कंप्लीट ही हो गया, थोड़ा ही रहा है अब ये, तो चंद ही टाइम में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने गाड़ी जो सामने पार्क कर दी और मैं हूँ पत्नीटॉप, वेलकम टू पत्नीटॉप सामने लिखा हुआ है, और मैं पत्नीटॉप में पहुँच गया हूँ और ये सामने से रास्ता गया। और मैं आपको बताऊँ, जहाँ मैंने पहले फोटो लिया वो था लॉकडाउन में, जैसे आपको पता था, और वो सामने जो आप ये मेरी उंगली की सीध में जो बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे अपना होटल था, और थोड़ी देरी किया था मैंने उसके बाद जो छोड़ दिया था, और ये रास्ता यहाँ से गया, और ये मेन जो है वो पत्नीटॉप रह गया। और यार ऊपर देखो कितना मस्त व्यू है सामने, उस साइड व्यू चेक करो गाइस इस साइड। और गंडोला भी जो है वो होटल के पास से जाता था, वो देखो अभी भी चल रहा है बीच में, आप देख लो एक भैया देखो बीच में, और बहुत मस्त व्यू है यार। और मैंने एक्चुअली यार आपको बताऊं कि मैंने नीचे से निकल जाना था, और फिर फ्रेंड साथ में था तो उसको ड्रॉप करना था बटोर में, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा दूर पड़ जाएगा वहाँ से, चलो पत्नीटॉप से निकल जाता हूँ, टंडल से नहीं जाता हूँ। तो ये आपको बता दिया मैं पत्नीटॉप में पहुँच गया हूँ, और ज़्यादा करूँगा तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे जैसा भी होगा तो आपको बताऊँगा ब्लॉग। गाइस बटोर पहुँचा हूँ, मैंने आपको बताया था जैसे फ्रेंड को वहाँ पे दोस्त को ड्रॉप करना था, और पत्नीटॉप पहुंचा और दोस्त मिल गए उनके पास बैठ गया, और टाइम थोड़ा काफ़ी निकल गया यार, सुबह का निकला हुआ हूँ और 4:30 होने लगे, और अभी मैं बटोत हूँ और मुझे कश्मीर पहुंचना है यार, और बहुत लेट हो गया हूँ, और अभी उसको यहाँ पे घर पे ड्रॉप किया है और यहाँ से निकल रहा हूँ। और भाई व्लॉग में बने रहना, आगे जैसा भी होगा तो आपको बताऊँगा, क्योंकि अंधेरा पड़ जाएगा और व्लॉग ज़्यादा नहीं करूँगा, फिर भी जो होगा कोई अच्छा जो भी सीन होगा तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। और अभी बटोत से निकल रहा हूँ, आगे मिलते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस मैं चंद्रकोट पहुंच गया हूं, लेकिन पीछे भी जाम था काफ़ी, और ये देख लो आप कितनी ट्रैफिक है, और रास्ते में जाम तो कहीं लगा नहीं, लेकिन ट्रैफिक लगातार चल रही है। और अभी मैं पहुंचा हूं पीड़ा, और अभी आगे देखते हैं आगे कैसा रहता है, आगे जैसा भी रहता तो आपको पूरा बताता हूँ, पर यहाँ तक जाम नहीं था लेकिन ट्रैफिक तो लगातार है, और आगे जैसा भी रहेगा तो आपको बताता हूँ। रास्ता इतना ख़राब है ना रामबन में, ये सामने देख रहे हो आप ये वाली जगह ऊपर, और यहाँ से ना पत्थर गिर रहे हैं, और पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से ना ट्रैफिक वालों ने यहाँ पर रोका हुआ था, इधर सामने खड़े हैं, सामने देख सकते हो आप इस साइड भी ये, और ये देखो अभी भी पत्थर ऊपर गिर रहे हैं ये देखो। और यार मेरी तो छोटी सी गाड़ी है भाई, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर रोका हुआ था। और जाम देख लो आप यार सामने कितना जाम लगा हुआ है। रामबन मार्केट में पहुंचा हूं, और जाम देख रहे हो ना आप, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे हैं, और आगे पता नहीं कितना जाम होगा, तो आगे चल के ही देखते हैं। कब से जाम में फंसा हुआ था, सामने देख लो लाइन जाम की कितनी है, क्योंकि लोग ओवरटेक करते हैं यार, खाली डबलिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इतना लंबा जाम लगा हुआ है। और ये जाम बनिहाल तक है, रामबन रामसू से बनिहाल तक साहब लगा लो, ऐसी ही लंबी लाइन है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो नेशनल हाईवे है उस पर जाम नहीं लगता, अगर लगेगा तो सुबह से शाम हो जाती है। और सामने देख लो ये लाइन लगी हुई, तो आप देखते हैं कश्मीर कब पहुँचते हैं, और जब भी पहुँचूँगा तो आपको पूरा बताऊँगा यार। गाइस अभी बनिहाल नहीं पहुँचा हूँ, और ये जाम देख लो, ये लाइनें देख लो, पीछे भी आपको बताई लाइनें, और अभी भी बता रहा हूँ, ये देख लो वो सामने तक, और इससे आगे कहाँ तक है कोई पता नहीं है, और अभी यहाँ पहुँचा हूँ, इतना लंबा जाम है यार। तो फाइनली गाइस सुबह 10 बजे निकला था, और अभी 10 बज रहे हैं, और अभी मैं पहुँचा हूँ बनिहाल टूल प्लाजा पर, और अभी यहाँ से टूल कटवाते हैं और फिर निकलते हैं बनिहाल टूल प्लाजा पे। अभी पहुँचा हूँ, सुबह से निकला हुआ, इतना जाम था यार कि आपको क्या बताऊं यार, मतलब बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये है बनिहाल टंडल जो नया वाला है, तो ये क्रॉस कर रहे हैं टंडल के अंदर, पहुंच गए हैं हम, और ये टंडल के अंदर का नज़ारा देख लो, ऐसा टंडल है अंदर से जो बनिहाल वाला है, जो नया टंडल बना है। टंडल से बाहर निकल गया है, और पहुंच गया हूं मैं काजीगुंड, और अंधेरा बहुत है यार, और आगे तो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, तो मज़ा नहीं आता व्लॉग का, तो व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा, और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बताना व्लॉग कैसा था, और अपने
रहा हूँ और टाइम हो गए हैं 11:15। और यार जाम दिन को इतना था ना कि आपको क्या बताऊँ, और उसकी वजह से लेट हो गया, नहीं तो मैंने पहले वॉन करना था। और अभी यहीं ब्लॉग से करूँगा क्योंकि अंधेरा हो गया है। और लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आप चैनल पर नए हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट मस्त से ब्लॉग में।